अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी रसमलाई बनाना। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। आपको चाहिए होगा फुल फैट मिल्क पाउडर, ये हर जगह से मिल जाता है, चाहे आप अब्रॉड रहते हैं चाहे आप पाकिस्तान इंडिया में। तो आपको पता है जो दूध के डब्बे होते हैं आपको वो चाहिए होंगे। मैं नीडो को इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि प्लीज़ नाम ले लें, मैं नीडो इस्तेमाल कर रही हूँ। दैट्स 2 कप्स ही आपने लेवल लेने, मेजरमेंट अगर आपकी सही है आपकी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती इंशाल्लाह से। सो दैट्स 2 कप्स ऑफ ड्राइड मिल्क फुल फैट पाउडर चाहिए आपको। साथ ही आपको चाहिए होगी शुगर 2 कप्स और आपको चाहिए यहाँ पे मैदा, यानी कि जो फ्लावर होता है जिसे हम पूरियाँ बनाते हैं, ये वो आपको चाहिए 1 टीस्पून। लेवल्ड बेकिंग पाउडर आपको चाहिए 2 टीस्पून्स, लाइटली लेवल्ड, ज़्यादा भर के नहीं, लेवल्ड होगा। घी आपको चाहिए होगा मेल्टेड इसके लिए 2 टेबलस्पून्स। एग्स यानी कि अंडे आपको 2 चाहिए होंगे, इसे हम बीट करेंगे। इलायची आप बीच में साबुत यानी कि होल भी डाल सकते हैं, जितना आपको जायका पसंद हो। मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट्स 1 टीस्पून। लेवल्ड बादाम और पिस्ते यानी कि आमंड्स एंड पिस्ताशियोज आपकी मर्जी, आपने कितना डालना है। ये तकरीबन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ईच। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि जितने भी हमारी देसी चीज़ें होती हैं रसमलाई वगैरह, इसमें तो बादाम वगैरह अच्छे लगते हैं। साथ ही आपको दूध चाहिए होगा फ्रेश, आप यहाँ पर देख लें ये आपको चाहिए 2 लीटर। मैंने ऑलरेडी इसको उबलने के लिए रख दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना होता है। तो ये जब इसके ऊपर एक बॉईल आ जाएगा, आपने इसको लो टू मीडियम पे करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है, तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट को दें। साथ ही दूध का कलर अभी आप वाइट देख रहे हैं, ये हल्का सा क्रीमिश हो जाता है, येलोइश, तो इसका मतलब है आपका दूध जो अच्छी तरह पक गया हुआ है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने अब क्या करना है। यहाँ पर रसमलाई के जो बीच में रसमलाई हमने बनाने होते हैं उसके बॉल्स, उसके लिए हमें एक बोल की ज़रूरत होगी अलहदा से। उसमें आप पहले जो हमारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं वो ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर मैंने फुल फैट डाल दिया है, ये मैदा डाल रही हूँ बीच में। देखिए अगर आपकी मेजरमेंट सही होगी तो ये कभी भी सख्त नहीं होंगे और कभी भी नहीं टूटते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेजरमेंट सही करें चीज़ों को और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें। और बॉल्स बनाते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आप उसको बहुत नीट और राउंड बनाएं और उनमें कोई क्रैक्स ना हो। पहले हम ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैदा वगैरह सब कुछ है, दूध आप ली साइड पर चढ़ा लीजिएगा ताकि उसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने पकने देना होता है अच्छी तरह। चलें, ये इसमें मैंने अब जो है मिक्स कर ली चीज़ें। आप इसमें अब घी डालेंगे और साथ ही जो हमारे एग्स हैं इन्हें हमने विस्क करना है इन अ बोल। इसे एक बोल में पहले अंडों को तोड़ लें और इसे पहले हम बीट कर लेते हैं और इसको भी फिर बीच में हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने घी इसमें ऐड कर लिया हुआ है और प्लीज़ हाथ ज़रूर वॉश कर लीजिएगा, आई हैव ऑलरेडी डन माइन। पहले मैंने घी को बीच में डालकर, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, उसको मैं बीच में मिक्स कर रही हूँ और साथ ही बीच में अपने एग्स को ऐड करेंगे यहाँ पर। और एग्स ऐड करने के बाद हम इसका जो है बॉल्स बनाने के लिए इसका डो बना लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपसे डो नहीं बन रहा तो आप बेशक बीच में 1 या 2 कतरे दूध के भी डाल सकते हैं लिक्विड मिल्क के, ताकि आपका डो बन जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें मैंने आपको मेजरमेंट बताई है उसके हिसाब से आप देख लें कितना परफेक्टली डो बन रहा है। मुझे किसी भी दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि मेजरमेंट्स का प्लीज़ ख्याल रखें। और ये कभी भी आपके जो हैं रसमलाई हो, रसगुल्ले हो, कोई भी ऐसी मिठाई हो, गुलाब जामुन, ये कभी भी ख़राब नहीं होती है। तो आप ये देखें कि कितना परफेक्टली इसका डो बन गया। इसको 1-2 मिनट आपने सिर्फ देने, हल्का सा आपने इसको यूँ गूंदना है और आपको किस तरह चलेगा कि आपका परफेक्ट डो बना है। आप ज़रा देख लें कि इसके ऊपर आप शाइन देख रहे हैं, आई होप यू कैन सी द शाइन। ये एक पहचान होती है कि आपके जो रसमलाई के जो बॉल्स हैं ये बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये कर लेने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमने स्टैंड होने देना है और फिर हम इसके बॉल्स बनाकर सारे इकट्ठे रखेंगे और फिर बाद में दूध में सब इकट्ठे ही ऐड करेंगे। ये मत कीजिएगा कि आप एक एक करके बीच में बनाकर डालें, दैट्स रॉन्ग। इसे 2 मिनट स्टैंड होने दें, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद हम इसके बॉल्स इकट्ठे बनाकर बीच में डालेंगे। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पर आप देख लें कि मैंने जो है कितने, आपकी मर्जी, मैंने हर किस्म का साइज़ आपको बना के दिखा दिया, लेकिन ज़रा थोड़ा छोटा साइज़ बनाएंगे तो क्योंकि ये दूध में जाते फूलते भी हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि डो आप हाथ में लेंगे, जितना आपने बॉल बनाना है इसको हल्का सा पहले प्रेस करें, देखिए इसका जो ओरिजिनल ऑयल है वो खुद ही निकल रहा है। और फिर आपने प्रेस करने के बाद इसको यूँ हाथों में आपने गोल जो है हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं। और बॉल्स बनाने के साथ ही साथ अब हमने क्या करना है कि जो शुगर है वो हम
इसमें दूध में ऐड करेंगे। आप देख लें दूध कितनी अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका हुआ है और कलर भी चेंज कर चुका है अपना ऑलमोस्ट। सो वील ऐड द शुगर ताकि चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए। चीनी के साथ ही हमने इसमें इलायची पाउडर जो है वो डालने। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप बेशक इसमें जो होल होती है यानी कि साबुत, आप वो भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लें और साथ साथ इसमें हल्का हल्का चमचा हिलाते रहें ताकि आपकी जो नीचे शुगर है वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स होके मेल्ट हो जाए। और फिर साथ ही जिस तरह हम देखेंगे इसको चीनी मेल्ट हो गई तो हमने जो बॉल्स बनाए हुए हैं रसमलाई के हम इसमें वो सारे इकट्ठे ही ऐड कर लेंगे। तो ज़रा इसको थोड़ा चीनी को मेल्ट हो जाने दें, एक से दो मिनट। इसमें शुगर भी तमाम तरीके से डिजॉल्व हो गई। अब हम इसमें एक एक करके जो हैं ये वाले हमारे रसमलाई के बॉल्स हम इसमें सारे तमाम ऐड कर लेंगे। और प्लीज़ जब आप चमचा इसमें मारेंगे तो मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं आपने इसमें चमचा हिलाना, साइडों से आप इसको जिस तरह आप फोल्डिंग करते हैं उस तरीके से हमने करना है। तो आप तमाम इसमें जो हैं रसमलाई के पहले बॉल्स डाल लेते हैं। आप देखें कितने छोटे साइज़ थे, गर्म दूध में जाते ही इसका साइज़ भी जो है ये डबल हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने बड़े बनाना चाहते हैं। तो ये मैं इसमें तमाम ऐड कर रही हूँ और नीचे मैंने फ्लेम जो है इसको हाई कर दी हुई है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं हाई रखूँगी और आपने साथ साथ चमचा इसमें हिलाते रहना है हल्का हल्का। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह फोल्ड करते हैं उस तरीके से आपने इसको यूँ हल्का हल्का हिलाना है यहाँ पर। और इसको हमने फुल फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ताकि थोड़े बॉल की साइज़ बड़े हो जाएं और फिर हम इसको थोड़ा सा लो हीट पर कर लेंगे। आप देख लें 5 मिनट्स हो चुके हैं और आप इसका साइज़ भी देख सकते हैं। मैं ज़रा हल्का सा ही चमचा बीच में चलाऊंगी ताकि आप देख लें कि साइज़ इसका डबल हो जाता है। इस वक्त ये पक रहे हैं, हमने इसको बिल्कुल लो हीट पर कर देना है। आपको मैं चूल्हा दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख लें कि बिल्कुल मैंने इसका जो चूल्हा है लो पे कर दिया हुआ है। यहाँ पर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट देने, कवर नहीं करना। और उसके बाद यहीं पर मैं सारे आमंड्स नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़े से गार्निश के लिए रख रही हूँ। जितने आपने डालने हैं आप फिलहाल डाल लें। और अब इस स्टेज पर आपने इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं हिलाना, वजह कि अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, मैं नहीं चाहती कि ये टूट जाएं। तो अभी इसको हमने जैसे मैंने आपसे कहा है कि 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो पर पकाना है। दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, आपके जो बीच में रसगुल्ले हैं ये भी बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट होगी और ठंडे होने पर हम इसको सर्व करेंगे। ज़रा इसको थोड़ा पक जाने, मैं फिर आपको आगे दिखाऊंगा। तो जनाब ये रहे 8 से 10 मिनट के बाद हमने इसको लो हीट पर पकाया। मैं आपको इस वक्त गर्म दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको डिश आउट करके दिखाना था। इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने दें, फ्रिज में रखें और उसके बाद इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं। कुछ लोग गर्म भी पसंद करते हैं लेकिन जो इसका मज़ा ठंडे में वो गर्म में नहीं। मैंने बाकी के जो बादाम थे पिस्ते ऊपर गार्निश के लिए डाल दिए। ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।